ये आरती आप लोगों के लिए, गणपति बप्पा की आरती। गणपति बप्पा आप सभी लोगों को बहुत अच्छा रखें, और आप लोग हमारे लिए जल्दी जल्दी प्रे करें कि अच्छे सारे सब्सक्राइबर हो जाएं। यस। तो दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है, यानी कि हो चुके हैं सुबह के 12, एक्चुअली दोपहर के 12, सुबह के 12 बोलेंगे नहीं। और आज है 9 सितंबर का दिन, यानी कि गणपति के जस्ट एक दिन पहले वाला दिन, और आज तीज का त्योहार है। तो मेरे घर पे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गणपति आते ही हैं, तो अभी पूरा घर अभी साफ होने जा रहा है, और जिया हेल्प करने के लिए आई हुई है, क्योंकि घर की हालत थोड़ी सी खराब है, और किचन विचन को साफ करना मेरे बस का नहीं है। तो जिया वहां पे फ्रिज को, एक्चुअली मैंने जिया को फ्रिज साफ करने के लिए बुलाया था, क्योंकि मुझसे फ्रिज साफ करते समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, इसलिए फ्रिज साफ करने में एटलीस्ट मेरी हेल्प कर रही है। क्योंकि मेरे फ्रिज में कुछ ऐसी कमाल की चीज निकली थी कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहली चीज निकली है ब्रेड, जो लगभग 20 दिन पुरानी है। चलो ये तो कुछ नहीं। उसके बाद निकला एक शुगर केन। ये शुगर केन 25-30 दिन पुराना होगा। ये लगभग एक महीने पुराना है। हाँ, एक महीने। और ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। उसके बाद निकली है पॉलिथिन। मैंने बोला कि इस पॉलिथिन में क्या है, पकड़ो, मैं बताता हूँ पॉलिथिन में क्या है। मैंने सोचा इस पॉलिथिन को खोल के तो देखा जाए, तो मैंने देखा खोल के कि पॉलिथिन में क्या है भाई, तो पॉलिथिन में निकली रोटी, तंदूरी रोटी। जो लगभग 2 महीने पुरानी हो चुकी है। नहीं, स्मेल नहीं आ रही है। ये खा सकते हो यार तुम तो, फिर 2 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी आराम से खा सकते हो। स्मेल नहीं आ रही तो खा सकते हो। मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं ये सब नहीं कर रहा। तो 2 महीने से सजाया क्यों उसको? ये रोटी की सोना चांदी हीरा और मोती का सजा कर रखे उसको तुमने 2 महीने से। 2 महीने और ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं। इसके बाद एक और पॉलिथिन निकली। पॉलिथिन बेसिकली ये कुछ ऐसा पेपर का बैग है। मैंने सोचा इसमें क्या, इसमें शायद मैंने सोचा कि ग्लूकोज होगा। ये ग्लूकोज मैं इस टाइप के ही पेपर में कुछ रखता हूँ, तो इससे निकला बैगन। बैगन। ये बैगन पूरी तरह से सड़ चुका है, और ऐसा एक बैगन नहीं, ऐसे काफी बैगन है ची, ची, ची। जिनकी ये हालत हो चुकी है। मैं अभी क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो ऊपर जाले होंगे मकड़ी के, वो निकालता हूँ, वो बेस्ट है। जो आपका पैंट पुराना हो जाता है, टी शर्ट पुरानी हो जाती है, तो उसका यूज किया जाता है। हाँ, कौन से टॉवल? यार इसलिए इतना स्लो चल रहा था ये पंखा। तो मैं ऐसे पानी क्यों डाल रहे हो उसके ऊपर? वो जमा है, वो थोड़ा सा लूज रहेगा, फिर उसे रगड़ के छुड़ाने में इजी रहेगा। तो पहले झाड़ू लग गया होता, फिर उसके बाद ही कर लेते। झाड़ू में टाइम है, झोल वोल निकलेगा उसके बाद झाड़ू लगेगा। ये कार्डबोर्ड यहाँ से हटाना है, मैं अपनी जिम का टेबल यहाँ रख दूंगा, जिम बेंच। तो टक्कू जिम बेंच के नीचे सोएगा, क्योंकि ये जब से आया है टक्कू सो नहीं पा रहा है अपनी फेवरेट जगह पे। ये टक्कू की फेवरेट जगह हुआ करती थी, लेकिन ये जब से आ गया तब से फेवरेट जगह भी छुप गई। प्लान में थोड़ा सा चेंज आया, और मैं थोड़ा सामान लेने के लिए चले गया था। सफाई करते करते दिमाग में आया कि नहीं, कुछ सामान ले लेता हूँ, जैसे हिट, क्योंकि घर पे कॉकरोच है, तो हिट से कॉकरोचों को मार देंगे। अब जा ही रहा था तो और कुछ सामान ले लिया कल की तैयारी के लिए। अभी लेके घर लौट भी गया हूँ, और फटाफट नॉन स्टॉप साफ सफाई में लगना, फिर डायरेक्टली सफाई करने के बाद ही रुकना है। यहाँ पे हमारी साफ सफाई चल रही थी, और मैंने ये मुंह में लेके बजाना शुरू किया, और इसका देखो रिएक्शन। अरे वैसा इस रूम की सफाई लगभग होते आ गई है। ये मेरे यूट्यूब का वो था, लेकिन खाली है इसलिए उसको फेंक दूंगा। ये मेरी रिंग लाइट का है, ये सब गद्दा वद्दा, ये देखो गंदगी अभी, लेकिन यहाँ पे साफ, ये सब साफ, लेकिन अभी भी कुछ फैला हुआ है। ये मेरा क्रोमा, और ये जिया। यहाँ का लगभग साफ होते आ ही गया है। जिया कीड़े को मारो, कीड़े को मारो, मार दो। ये कोई टक्कू कीड़ा खाएगा, मारो कीड़ा, बड़ा कीड़ा है। अरे अरे आ गया, अभी तक नहीं आ रहा था। भाड़ में जाए,
अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा था कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जब ओवर हो गया कीड़ा कीड़ा था तो बोला भाड़ में जब तो जाके ही रहूंगा। कीड़ा कीड़ा मार डालो साले, कीड़े को मार दो ये कीड़ा 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 है यही कीड़ा, मारो मारो खा जा टक्कू। बेटू हड्डी खाएगा, देख टक्कू गुड बॉय बन के हड्डी खा घर पे बैठ कर, ठीक है हम लोग जा रहे हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक गुड बॉय खा ले। अभी हम लोग जा रहे हैं, बेसिकली गणपति तो आज नहीं लेंगे, आज हम लोग लेने वाले हैं कुछ और सामान गणपति के डेकोरेशन का और फिर कल गणपति लेंगे। अभी फटाफट निकलते हैं, उसकी हड्डी चल रही है। चलो तो ये पूजा वाली चीजें ले ली हैं बेसिकली, और बस अभी एक ही चीज लेना बाकी है मंदिर में जो मिल ही नहीं रहा है। और अब ऐसा फील हो रहा है कि बाइक और कार बेच के बहुत बड़ी गलती कर दी। yes. अब पैदल जा रहे हैं, वो तो पहले ही बोल रही थी। फिलहाल अभी पूजा का सामान तो ले चुके हैं और अब है हम लोग मिड रोड में, मुंबई की नाइट लाइफ देख लो, लेकिन ये नाइट नहीं है इवनिंग है। टक्कू को छोड़े हुए लगभग एक घंटे होते आए हैं और हमारा काम अब तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, और रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि मंदिर ना मिलना, पूजा का सामान हो गया। अभी आगे क्या है, फर्नीचर्स की दुकान है बहुत सारी, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि वहाँ मिल जाए। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कहीं देखा हूँ, नहीं इधर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो अभी देखते हैं। अभी आ ही गए, ऐसा लग रहा था बहुत गिरने वाले थे, वाह वहाँ पे खड्डे में गिरने वाले थे। मैं इधर देख रही हूँ, तुम इधर दिखा रहे हो, इधर वीडियो देख रही हूँ, खड्डे में जाकर गिरने वाले थे मैं। तो ऐसा वो एक अपना थर्ड विजन जो बोलते हैं उसे समझ में नहीं आता है तुमको? अरे अब मैं क्या, मैं वो करके रखती हूँ क्या, पूरा रोड मेरा ही क्या, जो मुझे पता है कहाँ पे खड्डा आना है। तो मेरे को तो समझ में आता आता है ना, वो थर्ड विजन से अपन सामने भी देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि हमारे लेफ्ट राइट में क्या चल रहा है, वैसा तुमको नहीं आता? यहाँ पे लाइन से ज्यादा यहाँ पे वैरायटी है, तो शायद यहाँ पे मिल जाए। तुमको कैसा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सिल्वर अच्छा लग रहा है? हाँ स्टाइल में थोड़ा ये अच्छा लग रहा है। वैसे ये भी हर जगह सूट करेगा, हाँ। जो तुम बोल रही हो ना सूट करने वाला, ये भी हर जगह सूट करता है, बट वो थोड़ा बड़ा है। मेरे को उसमें डर ये लगता है ना कि ये वो हो जाएगा। बच्चा, अरे बच्चा, हाँ डॉक्टर यार थोड़ा सा लेट हो गए बाबू, थोड़ा सा लेट हो गए, रिमोट गिरा डाला। अरे 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 बच्चे के लिए आइसक्रीम आया है, बच्चे के लिए आइसक्रीम आई है। अभी एक्चुअली हम लोगों ने मंदिर लेके आए हैं, इसको मैं सेटअप करता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। अरे 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 मेरे से भी कंप्लेंट होगी अभी। लड़ टक्कू लड़ाई कर, कर लड़ाई, वैसलीन गया। देखो तुम्हारे बाजू में, इसको मिली कहाँ से वैसलीन? तुमने रखा हुआ था यहाँ पे कहीं पे? मैं नहीं रखता हूँ वहाँ पे कभी। तो कहाँ से मिली, किसने दिया? टक्कू तूने कहाँ से लेके आया? चोर तो है नहीं है, चोर तो है नहीं। अरे यार ये वैसलीन खा लिया क्या? रुको, वैसलीन खाया क्या इसने? टक्कू तूने वैसलीन खाया क्या? हाँ क्या भगवान, इसका वो ड्रॉपर है, इससे नफरत है उसको। अभी हो गई है घर की साफ सफाई सारी कंप्लीट और सब कुछ रेडी हो चुका है। मैं जा रहा हूँ गणपति लेने के लिए,
लक्ष्मी गणपति लेके घर पे पहुंचना जल्दी है, क्योंकि अभी 12:15 बज चुके और स्थापना का टाइम है 12:30 बजे तक का, तो वो मैं कंप्लीट कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। वैसे पूरे दिन भर का मुहूर्त है आज, लेकिन 12:30 तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, इसलिए सोच रहा हूँ 12:30 बजे स्थापना कर दूँ। अभी फटाफट लेता हूँ अच्छी वाली मूर्ति और फिर घर पहुँचता हूँ। तो अभी जस्ट आरती कंप्लीट हुई है और थोड़ा बहुत फोटो शूट किए, फोटोज खींचा है गणपति बप्पा के साथ सिंगल में, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते ना। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैं छोटे से गणपति लेके आया, वो भी सिल्वर के। इसका रीजन मैं पिछले साल बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए जुड़े उन लोगों को बता दूं, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि एक्चुअली ना मैं मिट्टी के जो गणपति होते हैं उनको जब बैठाता हूँ और फिर जब उनका विसर्जन कर देता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। यार सब लोग करते हैं, मुझे मालूम है पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में लोग करते होंगे, लेकिन ना मेरे थोड़े सेंटिमेंट्स अलग हैं इस चीज को लेकर। मेरा ये मानना है कि 10 दिन तक मैं उनको अपने पास रखा हूँ, उनकी पूरी सेवा किया हूँ, और फिर जाके जब मैं ऐसा पानी में चढ़ा देता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिट्टी के गणपति ना लेके, जो कि बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली भी होगा, कोई सिल्वर के गणपति लिया जाए और उसे ये गणेश चतुर्थी के टाइम पे अपने घर पे विराजमान किया जाए, 10 दिन रखा जाए, पूरी प्रॉपर तरीके से पूजा, और फिर बाकी पूरे साल तक वो घर पे ही रहे अपने साथ, और फिर उनकी नॉर्मल तरह से पूजा। लास्ट दिन मैं उनका विसर्जन करूंगा सेम टू सेम, मैं बैठकी के दिन प्रॉपर उनका जो स्थापना की प्रोसेस होती वो सब कुछ अपनाऊंगा, तो कितना अच्छा रहेगा। वो हमेशा अपने पास भी रहेंगे और पूरे नियम कायदे भी हो जाएंगे, बैठाना भी हो जाएगा, विसर्जन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो थोड़ी इस तरह की थिंकिंग लेके मैंने स्टार्ट किया और ये सोचा कि बस कुछ करते हैं जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा चेंजेस आए माइंड में, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मिट्टी के गणपति के जब हम विसर्जन करते हैं तो बहुत सारी जगह पर सही ढंग से विसर्जन नहीं किया जाता है, कई वीडियोस सामने आते हैं तो वो देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो शायद थोड़े से बदलाव लोगों में आ जाए, बस यही सोच के मैंने ये शुरू किया था। ये यहाँ पे मैंने माला लगाया हुआ था और यहाँ पे मैंने दिया रखा था, तो दिए की लौ की वजह से ये माला जल गया, तो इस माले को हम निकाल देंगे। निकालना ही एक चारा नहीं, क्योंकि जले हुए माला को ऐसे चढ़ाए रखना गलत हो जाता है। मैं डायरेक्ट आप लोगों से पूजा करने के बाद मिलता हूँ, कुछ बोलूंगा तो कैसे उठेगा, मोदक खाएगा टक्कू। जैसे मोदक सुना उसे कान ऐसे डुबुक से हिले, फिर टक्कू को बोला मैंने मोदक खाएगा टक्कू, तो टक्कू ने बोला हाँ खाऊंगा, तो टक्कू को सबसे पहले मैं प्रसाद दूंगा। ये लो टक्कू प्रसाद खा ले पूजा का, ले ले प्रसाद है खा ले बाबू, गुड बॉय गुड बॉय। अच्छा लगा मोदक बाबू को पसंद है के टक्कू को, हाँ। तो आज गणपति का आखिरी दिन है, 10 दिन पता नहीं कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। एक्चुअली बहुत सारे लोग ना 9वें दिन पर हवन करते हैं और 10वें दिन पर विसर्जन करते हैं, लेकिन मैं 10वें दिन पर ही हवन करूंगा और आज के दिन ही विसर्जन करने वाला हूँ। आज का मौसम कुछ अलग सा बना हुआ है, जिस दिन गणपति बैठे थे उस दिन बारिश हुई थी, आज हल्की हल्की धूप है, लेकिन उस दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था और आज का भी। अभी मैं हवन का सामान लेने के लिए आ गया हूँ, देखता हूँ कहाँ मिलता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वॉक करते हुए जा रहा हूँ क्योंकि घर के आसपास काफ़ी दुकानें हैं। तो ये हवन का छोटा सा मिल रहा है मुझे स्टील का, वैसे मुझे मिट्टी का लेना था लेकिन ये मिल रहा है, और लकड़ी भी मिल गई और हवन सामग्री भी मिल गई, सब एक ही जगह से हो गया। घर के पास में ही है दुकान, यहाँ से मिल गया है, यहाँ से ले लेता हूँ अभी। फिर पूजा के पान मिलेंगे क्या आपके पास? लगभग सारी चीज लेकर हो गई है, बस पूजा का पान लेना बाकी है, वो मैं फटाक से लूंगा और घर पहुंच जाऊंगा। मुहूर्त दोपहर का भी था, 1:45 बजे से स्टार्ट है जो कि 4:45 बजे तक चलेगा, मॉर्निंग वाला चलेगा, इवनिंग वाला भी और नाइट वाला भी है, तो आफ्टरनून वाला हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं एग्जैक्टली 1:45। अभी यहाँ से कुछ सामान लेता हूँ फिर घर निकलता हूँ। हवन के लिए हवन कुंड रेडी हो चुका है, बप्पा के विसर्जन के लिए एक छोटा सा वो भी रेडी है उनका कुंड,
अभी फिलहाल हवन रेडी करते हैं, तुम्हें पकड़ लो जब तक। और अभी इसको सबसे बड़ा टास्क है, इसमें आग कैसे लगाएं। तो वो ही मुझे सता रही थी यही बात। कपूर जलाओ, उस पे कपूर डालो और उसके तो अपन नीचे बैठ जाएं। नीचे बैठ के ही हवन करना पड़ेगा। नीचे बैठ के हवन करते हैं। टक्कू भी बैठ कर खड़े होकर देख रहा है। तू भी बैठ जा, तू भी हवन करना। बेटू बैठ जा, हवन करेंगे। हाँ ठीक है बच्चो। हाँ हाँ, इधर उधर नहीं देखते, हवन करेंगे। हाँ उसके ऊपर लकड़ी रखो। हाँ यार, वहाँ पे ना ऊपर एक और वो रखा हुआ है, कपूर उठा दो नीचे। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। तो अभी हवन कंप्लीट हो गया है और अब हम फाइनली आरती करने जा रहे हैं। विसर्जन हम शाम के टाइम करेंगे, मैंने बताया कि नहीं बताया आप लोगों को, क्योंकि मुहूर्त का टाइम जो विसर्जन वाला है वो निकल चुका था। हवन का मुहूर्त ऐसा कुछ था नहीं, 6:15 के आसपास जो है विसर्जन टाइम शुरू होगा। अभी तक हम फंबल होना शुरू हो गया। हाँ, जो प्रसाद चढ़ गया है वो यहाँ पे कर देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ आरती आप लोगों के लिए, गणपति बप्पा की आरती। गणपति बप्पा आप सभी लोगों को बहुत अच्छा रखें और आप लोग हमारे लिए जल्दी जल्दी प्रे करें कि अच्छे सारे सब्सक्राइबर हो जाएं। यस, टक्कू को दे दो। मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बप्पा, मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया। ये रहे हमारे गणपति बप्पा, जिन जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए थे कर लो आप लोग। अभी गणपति बप्पा का लास्ट विसर्जन भी हो गया है। घर के पास में एक तालाब था, वहीं पर आके कर दिया। लास्ट ईयर भी यहीं पर आया था, लेकिन लास्ट ईयर अच्छी खासी बारिश हो रही थी। खैर, आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब तक आपने देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। मैंने इस वीडियो को लेकर सोचा था कि बैठ के से लेकर विसर्जन तक का सब कुछ डालूंगा, तो कोशिश करूंगा जितनी फुटेज मेरे पास है सब कुछ मैं डालूं। उम्मीद है अच्छा वीडियो बना होगा मेरे हिसाब से। तो इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। मैं भी घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, आप लोग भी आराम करो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बाय।